गुड मॉर्निंग। और आज है फ्राइडे, तो पापा मम्मी आज जा रहे हैं गांव, तो मैं जल्दी उठ करके स्नान वगैरह कर ली हूँ, तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। चलो फटाफट से मैं बालों में कॉम कर लेती हूँ। मैं बात ले चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ पूजा करके। जल्दी तो कुछ पकाऊँगी कुछ खाने वाने के लिए। तुम कार से चले जाना, हम बाइक से आएंगे। ठीक हो जाएगा यार, यहाँ ऐसा गर्मी पड़ता नहीं है। बीच में पड़ा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था उसके बाद में। तेरे को भी होगा ना, घूमोगी बस लगा दे तो ठीक हो जाएगा। कभी कभी लगा लो, हम भी तो हमको धोने देती है, कितना फास्ट खुलेगा ये, कपड़े भीग जाता है। छोड़ छोड़ तू, प्लास्टिक का वैसा नहीं आता है। और एक बार खराब होगा तो 1500, मेरा भी वही हाल होगा ना। ये भी खराब एक बार हुआ तो 1500, तो हम तो प्लास्टिक का लगा देंगे। खड़का वाला हाथ में थमा देंगे जाते समय, लो वहां भी जैसा किए थे, हम क्यों 1500 का लगाएंगे। हमारा चीज तुमको सौंप रहे हैं ना, प्लस तुमको प्लास्टिक भी दे रहे हैं। भरने का भूख लगता है, हमको भूख ना लगता है, वो सवाल नहीं है। भरने का आदम भूख नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता। कुछ तो तुम खाओ, तो खा लियो। देखिए तुम इतना कह रहे हो, 10 चम्मच खा लेना मम्मा। मुझे पूरी बना के पूरी खा। कौन सी जाली सामने खाता है? एक पूरी अति खाता है दोस्त। नहीं बनाएंगे डोसा भी, डोसा मन ही नहीं करता डेली खाने का। वो साउथ इंडियन ही डोसा डेली खा सकता है, हम लोग से खाया ही नहीं जाएगा। हाँ पता है, उसका टूट गया है इसलिए। हाँ सो गाइस, मेरे घर बन रहा है ये सब, तो घर की पूरी, क्योंकि ये इजी होता है ना खाने के लिए। मम्मी ने बताया कुछ यहाँ बन चुका है,
सो आज मम्मी लोग का फ्लाइट है, भी निकल जाएगी थोड़ी देर में, अभी 8 o'clock हो रहा है, 10:30 तक निकल जाएगी ऐसे बोलिए। तो फिर मम्मी बना ली, क्योंकि मुझे ना ये नहीं आता है बनाने, जब भी मैं बनाती हूँ वो फूट जाता है और ऑयल उसके अंदर चला जाता है, फिर तो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मम्मी खुद से ही बना रही है। ठीक है गाइस, मैं अभी थोड़ी देर के लिए बाहर जाती हूँ, आके फिर मैं आपको बताती हूँ। बाय। ये देखिए मेरे बेटे को, ये भाई साहब वो साइकिल पे चल नहीं रहे, साइकिल को ढकेल के लेके जा रहे हैं। तो मैं अभी एक्चुअली मेरे पापा मम्मी का फ्लाइट है गाइस, तो मैं भी थोड़ा बाहर आई थी, कुछ लेना था तो लेकर के मैं जा रही हूँ, और शायद 10 बजे निकल जाएंगे। मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मैं चाहती नहीं कि जाए, पर ऐसी परिस्थिति हो गई है इसलिए। तो भगवान ना कहे ऐसी परिस्थिति किसी भी माँ बाप के साथ आए, बट ओके। हाँ, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो फिर 4 महीने बाद फिर से डॉक्टर ने बुलाया है पापा मम्मी को खुद से। ठीक है, तब आएंगे, होप सो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ऑन ट्रैक आ जाए, होप सो, और देखते हैं। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है यार, ये हम क्यों नहीं हमारे साथ, लास्ट टाइम 4 मंथ रहे, फिर भी लगता था और रहे साथ में, और अभी 1 मंथ रहे, लगता है और रहे साथ में, और रहे, पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि और रहे। ये बस चले तो मैं माँ बाप को हमेशा अपने पास में रखूँ, तो पता नहीं मैं इतना मजबूर क्यों हूँ अभी, मुझे समझ में नहीं आती। क्योंकि मैं अगर खुद का जॉब करती ना, तो मैं डिसीज़न ले सकती थी, कोई भी डिसीज़न एक्सटेंड करने का या कुछ भी, पर हम मैं कर नहीं रही हूँ, तो मैं कोई भी डिसीज़न ले ही नहीं सकती अभी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने जॉब क्यों छोड़ा, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है। मैं सभी बहनों को बोलना चाहूँगी, कभी मत छोड़ना गाइस, कभी मत छोड़ना, क्योंकि प्यार अगर ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, आपका जॉब आपका करियर ही ज़्यादा दिन तक रहता है, ताकि आप कोई इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते। मैं अभी जाके भी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। ये गाइस मैं घर आ गई हूँ, अभी देखती हूँ फटाफट से सब कुछ पैक वैक करके रखूँगी। मैं भी निकलूँगी एयरपोर्ट, लुम्बिनी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का है। हाँ ठीक है गाइस, मैं आपको मिलती हूँ।